मैंने ये देखा हिंदुस्तान में कि हमारे यहां तीज त्योहार होते हैं और हर तीज त्योहार में कुछ खास तरह के व्यंजन और पकवान बनते हैं। मैंने ये देखा है कि कुछ खास तरह के त्योहार में कुछ खास तरह का तेल उपयोग हो रहा है, दूसरे तरह के त्योहारों में दूसरे तरह का तेल उपयोग हो रहा है। उसके पीछे बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है। वो विज्ञान ये है कि जैसे मान लीजिए होली के आसपास के त्योहार, चैत्र के महीने के त्योहार, फागुन और चैत्र के महीने के त्योहार, अब फागुन और चैत्र के महीने के त्योहारों में जो जो पकवान बन रहे हैं, आप उन पर अगर नजर डालें तो वो उस मौसम के हिसाब से बहुत ही अनुकूल है। दिवाली के आसपास के जो तीज त्योहार हैं, नवंबर दिसंबर के या अक्टूबर नवंबर के, उनमें जो पकवान बन रहे हैं वो खास तरह के प्रिपरेशन है, बहुत गहरा विज्ञान है। कभी मौका मिला तो इस पे अलग से ही बात करूंगा कि त्योहारों में पकाए जाने वाले जो व्यंजन हैं वो हमारे शरीर को किस तरह की मदद कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने, माने महर्षियों ने, ये देखा कि जीवन के दिनों में, माने अगर ठंड के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है, बरसात के दिन है तो शरीर में क्या प्रकोप ज्यादा है, गर्मी के दिन है तो शरीर में कौन सा प्रकोप ज्यादा, प्रकोप माने वात पित्त कफ, ये तीन ही तरह के, तो उनको संयमित रखने के लिए कौन सी चीजें प्रकृति ने दी हैं, तो व्यंजनों में वही चीजें डाली गई हैं। जैसे अब मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करता हूं, ये बात अमूर्त है लेकिन अब थोड़ी मूर्त करता हूं। सर्दी के दिनों में जितने भी त्योहार आप मनाते हैं या जितने भी त्योहारों में आप अपने जीवन को लगाते हैं, ये सब त्योहारों में आप देखो भोजन ज्यादा से ज्यादा आपके हिसाब से गरिष्ठ होता है। प्रिपरेशन कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे आप तिल खा रहे हैं, सर्दी के दिनों में भरपूर तिल खाया जाता है और तिल के तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। अगर आप गुजरात में रहते हैं तो अड़दिया खाया जाता है, अड़दिया, दुनिया का इससे अच्छा शायद कोई पकवान ना हो, अड़दिया जिसको कहा जाता है, उड़द की दाल का बनता है अड़दिया। ऐसे ही राजस्थान के कुछ इलाकों में विशेष पकवान है, ऐसे उत्तर प्रदेश के इलाकों में कुछ पकवान है, लेकिन अगर महसूस करें तो ये सब भारी है, भारी गुरुत्व है इसमें। बागभट्ट जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, गुरुत्व वाले पदार्थ, माने भारी हैं, आसानी से नहीं पचते, धीरे धीरे पचते। अड़दिया तो आसानी से नहीं पचेगा, तिल की चीजें भी आसानी से नहीं पचने वाली हैं, लेकिन जिन दिनों में हम ये खा रहे हैं उन दिनों में शरीर के लिए यही अच्छा है कि कोई चीज आसानी से ना पचे, धीरे धीरे पचे, देर में पचे। क्यों? अब ये ठंडी के दिन होते हैं तो ठंडी के दिनों में शरीर में पित्त जो है ना थोड़ा कम होता है, पित्त थोड़ा कम होगा, वात ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा ठंड के दिनों में। अब कफ सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो कफ का असर हमारी जठर अग्नि पर है। अब कफ का असर जठर अग्नि पर है तो जठर अग्नि भी थोड़ी कम रहती है, थोड़ी, जो गर्मियों के दिनों में वो भड़कती है उतनी नहीं होती। तो अगर आपकी जठर अग्नि कुछ कम है, कफ के प्रभाव में है, तो आप भोजन भी ऐसे खाइए जो तुरंत पचने वाले नहीं है, धीरे धीरे पचने वाले हैं, ताकि जठर अग्नि उसके साथ मेल कर ले अपनी गति का। ऐसे समझ लो जठर की गति कम होती है तो खाया जाने वाला खाना भी कम गति से पचने वाला हो तो बहुत अच्छा है। तो सोच समझ कर ये तय किया गया कि सर्दी के दिनों में तिल खाना है, सर्दी के दिनों में मूंगफली खानी है, सर्दी के दिनों में गुड़ खाना है, सर्दी के दिनों में घी सबसे ज्यादा खाया जाता है, और आपने अक्सर वैद्यों से सुना होगा सेहत बनानी है तो यही दिन सबसे अच्छे हैं, माने खूब अच्छा अच्छा खाओ, और भगवान का दिया हुआ भी इन महीनों में भरपूर होता है, तिल भी इन्हीं महीनों में आते हैं, मूंगफली भी नई इन्हीं महीनों में आती है, चने भी इन महीनों में नए आते हैं, तो अच्छा खाना खाने का समय यही माना जाता है सर्दियों का। और अच्छा खाना वो जो गुरुत्व वाला है, गुरुत्व वाला वो जो थोड़ा धीरे 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 पचता है। तो कितना बड़ा मेल बिठाकर हमारे लोगों ने हमारे व्यंजनों को त्योहारों के साथ जोड़ा। गर्मी के दिनों में उल्टा होता है, गर्मी के दिनों में आपका पित्त भड़कता है, माने अग्नि तीव्र है, तो आप ऐसा खाना खाओ जो जल्दी हजम हो जाए। बारिश के दिनों में सम रहता है, पित्त जो है बहुत ही कम होता है, तो बारिश के दिनों में यह कहा जाता है कि भैया सबसे हल्का खाना खाओ बारिश के दिनों में, क्योंकि पित्त उस समय सबसे कम है। और कई बार तो कहते हैं जी एक ही बार खा लो तो अच्छा है बारिश के दिनों में, और जैन समाज वाले तो जानते हैं कि बारिश के दिनों के खाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है,
क्यों जी? ऐसा खाना तो आप खा ही नहीं सकते जिसमें पानी बहुत हो, क्योंकि शरीर में ही पानी बहुत होता है उस समय, प्रकृति के हिसाब से शरीर चलता है। तो बारिश के दिनों में अक्सर आपने सुना है जैन साधु संतों के मुंह से कि हरा हरा पत्ती का सब्जी मत खाओ, हरा सब्जियां मत खाओ, ये वगैरह वगैरह। हरे पत्ती की सभी सब्जियां बहुत पानी भरी हुई, पानी शरीर में ही पहले से ज्यादा है क्योंकि बारिश में नमी ज्यादा है, तो आप ज्यादा पानी के शिकार होंगे। ज्यादा पानी भी अच्छा नहीं है, कम पानी भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए साधु संत जो कहते हैं वो भी कुछ विज्ञान के आधार पर कहते हैं, बस अंतर इतना ही है कि हमारे दिमाग में क्यों इतना गहरा घुसा हुआ है कि जब तक क्यों एक्सप्लेन कोई नहीं करता, हम ना उसकी बात सुनते हैं ना मानते। तो अपने देश में भागवत जी के अनुसार वात की चिकित्सा जिंदगी भर अच्छी रहे आपकी तो तेल शुद्ध खाइए, ये एक सूत्र। अब दूसरा सूत्र, वो कहते हैं कि पित्त की चिकित्सा, पित्त पित्त जिंदगी भर आपका ठीक रहे, आपको तकलीफ ही ना आए, तो कहते हैं देशी गाय का घी खाइए। पित्त को जिंदगी भर सम रखने के लिए अगर कोई एक चीज उन्होंने बताई है सबसे अच्छी, वैसे तो उन्होंने सैकड़ों चीजें बताई, सबसे अच्छी तो उसकी ऊपर की श्रेणी में गिनती है घी। घी माने गाय का घी, भैंस के घी के लिए उन्होंने बोला है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए है जो कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ते हैं माने पहलवानी करते हैं, दंड बैठक लगाते हैं, पहलवानी करते हैं, वो घुमाते हैं, इनके लिए उन्होंने कहा है कि ये गाय का घी कभी ना खाएं, ये भैंस का ही घी खाएं, क्योंकि होना ही उनको भैंस के जैसा है। आपके लिए नहीं है, आप सदगृहस्थ हैं, ना आपको कुश्ती लड़नी है, ना आपको पहलवानी करनी है, ना आपको दंड बैठक लगानी है, ना आपको रेस जीतनी है, आपको तो जीवन अपना चलाना है ठीक तरीके से। तो आपके लिए है गाय का घी, और पहलवान जो कुश्ती लड़ रहे हैं, अखाड़े में दंड बैठक लगा रहे हैं, मुगदर घुमा रहे हैं वगैरह वगैरह, इनके लिए है भैंस का घी। भागवत जी कहते हैं कि वो अगर गाय का घी खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, और आपने अगर भैंस का घी खाया तो आप तकलीफ में आएंगे। तो जिंदगी भर पित्त आपका ठीक रहे, पित्त से होने वाली बीमारियां ना हो, तो आप गाय का घी खाते रहिए। और तीसरी बात जो कहते हैं कफ, कफ को जिंदगी भर शांत रखना है, शमित रखना है, सम अवस्था में रखना है। तो सबसे अच्छी चीज जो उन्होंने बताई है, वैसे तो सैकड़ों हैं लेकिन मैं सबसे अच्छी चीज पहले बता रहा हूं, वो कहते हैं नंबर एक की चीज है कफ को शांत रखने के लिए, वो है गुड़। और ऑब्लिक करके उन्होंने एक चीज बताई है शहद। तो वो कहते हैं कि जो शहद खा सकते हैं वो शहद खाएं, जो नहीं खा सकते वो गुड़ खाएं। अब आप में से जो जैन सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं उनके लिए है गुड़, और जो जैन सिद्धांतों का पालन नहीं करते वो शहद भी ले सकते हैं। तो तीन चीजों की अब बात मैं कर रहा हूं, पहली चीज हो गई शुद्ध तेल, दूसरी चीज हो गई गाय का घी, और तीसरा हो गया गुड़।